नमस्कार। आज हम सीईसी गुरुकुल लाइव व्याख्यान के तहत जिस विषय को ले रहे हैं वो है भारतीय संगीत शिक्षण। भारतीय संगीत परंपरा में शिक्षण की जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, और इस शिक्षण परंपरा की कुछ खास चीज़ें जो हैं, पहले हम उन पर अपना ध्यान लेकर जाते हैं। जब हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें या भारतीय संगीत की बात करें, तो सबसे पहले बात आती है गुरु शिष्य परंपरा की। यानी ये जो परंपरा है, ये शिक्षण परंपरा जो है, ये गुरु और शिष्य के द्वारा जो है निरंतर आगे बढ़ती आई है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में ये शिक्षण प्रणाली जो है विद्यमान है, लेकिन इसका इतिहास जो है वो बहुत समय पहले से ही आरंभ हो गया था। इस शिक्षण परंपरा के अंतर्गत शिष्य या विद्यार्थी अपने गुरु के पास रहकर जो है शिक्षा ग्रहण करता है। पहले के समय में मैं यदि लूँ, मध्यकाल की बात लूँ, जबकि वहाँ उस समय गुरु के पास दूर दूर स्थानों से शिष्य आकर रहता था, और वो एक परिवार की ही तरह, जो परिवार का सदस्य है उसकी तरह ही वो माना जाता था, और गुरु के साथ जो है उसको उसकी पूरी दिनचर्या बंधी होती थी, और उसमें जो समाज, जो सामाजिक जो दिनचर्या है उसके साथ साथ कब उसकी शिक्षण जो उसका आरंभ होता था, कब उसकी ये शिक्षा जो है निरंतर चल रही होती थी, वो पता भी नहीं चलता था, क्योंकि वो एक तरह से एक जीवन का एक साधारण जिस प्रकार की दिनचर्या होती थी उसी का एक अहम हिस्सा होता था। मैं सिर्फ मध्यकाल की बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ से हमको इसके बहुत अधिक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन यदि हम इतिहास को देखें तो हम गुरुकुल परंपरा जो है उसके बारे में बहुत पढ़ते हैं। हमारी बहुत सी कहानियाँ, बहुत से पुराने जो महाकाव्य हैं, बहुत से ग्रंथ हैं, उसमें इस गुरुकुल परंपरा के बारे में बताया गया है, जिसमें हम अक्सर पढ़ते हैं कि जब 12 वर्ष का विद्यार्थी हो जाता है या किसी का पुत्र 12 वर्ष का हो गया, तो उसके बाद वो उसको गुरुकुल में यानी किसी गुरु की संरक्षण में उसको भेज दिया जाता था। यहाँ मैं सिर्फ बालकों की बात नहीं करती हूँ, शिष्यों की नहीं करती, शिष्याएं भी इसमें आती हैं। तो क्योंकि वो ज़माना अलग था, उस समय जो है राज घराने के लोग जो हैं अपने बच्चों को गुरुओं के पास शिक्षा लेने के लिए भेजते थे, और गुरु उनको अपने आश्रम में रहकर हर तरह की जो है शिक्षा देता था। इस शिक्षा के अंतर्गत उनको हर सब्जेक्ट के बारे में जो है उनको ज्ञान दिया जाता था, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन भी होता था, किस प्रकार से जो है शासन करना है, उसमें राजनीति के बारे में भी बताया जाता था, उसमें युद्ध में किस प्रकार से लड़ना है, अस्त्र और शस्त्र को लेकर उसके बारे में भी ज्ञान दिया जाता था, कला और संस्कृति के बारे में भी विशेष रूप से जो है शिक्षा दी जाती थी। वहाँ इस प्रकार की भी शिक्षा होती थी कि किस प्रकार से गुरु की सेवा करनी है, किस प्रकार से एक साधारण सा जीवन जो है वो जीते हुए, जिस प्रकार से एक साधारण मनुष्य जो है उस समय में अपने जीवन को जीता था, जिस प्रकार से छोटे छोटे काम जो घर के होते हैं या आश्रम में होते हैं उस प्रकार के कार्यों को कर कर जो है वो गुरु के संरक्षण में जो है अपना वो समय बिताता था और ज्ञान अर्जित करता था। तो ये परंपरा हमें अक्सर इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम इसका उदाहरण ले तो रामायण में भी इसका उदाहरण है और महाभारत में भी इसका उदाहरण हमें बखूबी मिलता है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि संगीत की शिक्षा भी वहीं पर उनको जो है दी जाती थी। केवल राजघराने के जो है बच्चे उनको ही नहीं, बल्कि अन्य जो शिष्य वहाँ पर जो आते थे शिक्षा लेने के लिए, अन्य परिवारों के भी, उनको सबको एक साथ रहकर जो है इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पर साहित्य, संगीत या संस्कृति की शिक्षा देने का क्या अर्थ था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि उस राजघराने के जो के बालक को हम कहें या शिष्य को जो है आगे चलकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना होता था, और वहाँ पर वो तभी
इन कलाओं का, इस अपनी संस्कृति का आदर तभी कर सकता था जबकि वो उसके बारे में ज्ञान उसको हो। तो एक बेसिक नॉलेज की तरह कहें जो है उसकी शिक्षा उसको दी जाती थी। ये तो खैर बात थी कि किस प्रकार से प्राचीन परंपरा में गुरुकुल परंपरा जो थी वो मान्य थी। हम आगे आते हैं संगीत की बात करने। संगीत में गुरु शिष्य परंपरा का होना अनिवार्य माना जाता रहा है। गुरु मुख से जो भी चीज़ निकलती है, जो भी संगीत के बारे में, उस विषय के बारे में जो कुछ बताया जाता है, वह गुरु अपने कंठ से या अपने वाद्य के सहारे अपने शिष्य के कंठ पर या उसके वाद्य या उसके वादन शैली पर जो है उसको बताता था और शिष्य जो है उसको उसी प्रकार से उसको सीखता था। तो जैसे मैंने कहा कि मौखिक परंपरा थी तो ओरल ट्रेडिशन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओरल ट्रेडिशन, से इस चीज़ को लिया जाता था, इसके ज्ञान को। आगे चलकर जो है घरानेदार शिक्षण पद्धति आई। अब घरानेदार शिक्षण पद्धति के बारे में बहुत से लेक्चर्स पहले भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में बताना चाहूँगी। घरानेदार का अर्थ है घर शब्द यहाँ पर आता है, यानी एक घर में जो है शिक्षा दी जाती थी। अब यहाँ घर से तात्पर्य है एक कुटुंब या परिवार या समुदाय या एक स्थान पर जो है जो शिक्षा दी जाती थी उसको घरानेदार परंपरा कही गई। मूल रूप से घराना जो है वो तब बनता है जब किसी एक शैली को लगातार तीन जो है पुश्तें या थ्री जनरेशंस जब है उसको लगातार उस परंपरा को आगे लेकर जाती है तो उसको हम कहते हैं वो एक घराना बनता है। घराना किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर भी हुआ और घराना जो है स्थान विशेष के नाम पर भी घराने का नाम पड़ा। प्रश्न उठता है घरानों की जरूरत क्या थी। देखिए पहले बादशाहों, राजा, रजवाड़ों का, नवाबों का समय था। तो जिस समय बादशाहियत ख़त्म हुई और राजे रजवाड़े भी ख़त्म हुए तो उस समय जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे इनके दरबार में जो थे कलाकारों को संरक्षण प्राप्त था। लेकिन जब ये बादशाह या राजा रजवाड़े जब नहीं रहे, जब इनके राजघराने जो हैं वो पतन की ओर गए, तो इनके दरबारों में जो कलाकार थे, जो वंशधर, जो हम कहें कि वंश परंपरा के अनुसार या शिष्य परंपरा के अनुसार या गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार एक शैली को जो है आगे बढ़ा रहे थे, उनको संरक्षण जो है वो नहीं मिला। तो वो अलग अलग छोटे छोटे जो नवाब थे या राजे रजवाड़े या रईस लोग थे उनके संरक्षण में या उनके पैट्रोनेज में वो चले गए और अपनी इस विद्या को भी वो अपने साथ ले गए। तो ऐसे ही वो छोटे छोटे स्थानों पर जाकर बस गए। पहले दरबारों में जब वे थे तो उनका आदान प्रदान अन्य विद्वानों से भी होता था, लेकिन जब इस प्रकार का उनको माहौल नहीं मिला तो वे एक स्थान पर रहकर अपनी जो साधना है उसको बरकरार उन्होंने रखा और यहीं से घराने बने। एक स्थान पर रह के उन्होंने अपनी शैली या अपनी परंपरा को उन्होंने एक नाम दिया, जिस प्रकार से हम कहते हैं रामपुर घराना या हम कहते हैं ग्वालियर घराना। तो यहाँ पर स्थान का नाम आता है, स्थान विशेष का नाम। रामपुर घराने की बात करें तो रामपुर के नवाबों के संरक्षण में जो है कुछ कलाकार रहे और उन्होंने अपनी परंपरा जो पहले से चली आ रही थी परंपरा उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, तो रामपुर घराने के नाम से वो मशहूर हुआ। इसी प्रकार से ग्वालियर क्षेत्र में भी संगीत का एक अलग बहुत सुंदर माहौल था जहाँ पर कि उनको भी संरक्षण प्राप्त हुआ और कुछ कलाकार जो है वो उस स्थान पर आकर उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से उस स्थान को एक आदर का या सम्मान का भाव अभिव्यक्त करने हेतु उन्होंने जो है अपने घराने का नाम या उस स्टाइल का नाम, उस शैली का नाम उन्होंने ग्वालियर घराना दिया। आज के संदर्भ में जब हम किसी घराने की बात करते हैं तो संगीत के विद्यार्थी या उन विद्वानों को जिनको कि संगीत की जानकारी है, विशेष तौर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की, वे कहते हैं यदि ग्वालियर घराने की बात आती है तो उसकी विशेषताएँ उनको ध्यान में रहती हैं कि ये गायकी जो है ये ग्वालियर घराने की होगी, इसमें ये फीचर्स हमें ज़रूर मिलेंगे। इसी प्रकार से किसी अन्य घराने की गायकी जो है या वहाँ की वादन शैली है तो वहाँ पर उसकी विशेषताएं जो है वो प्रमुख रूप से झलकती हैं, जिसको कि दूसरे से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
तो ये तो थी घरानेदार शिक्षण पद्धति। घरानेदार शिक्षण पद्धति में दूर दूर से जो है शिष्य आकर रहते थे। जो गुरु था उसके अपने परिवार के सदस्य भी उसमें होते थे, जिसमें कि उसका अपना जो उनका आगे का जो वंश या पुत्र हम कहें वो भी उसी में सम्मिलित था, और अपने रिश्तेदारों में कहें परिवार के जो अन्य जो रिश्तेदार सगे संबंधी थे उनके भी बच्चे वहीं पर होते थे, और इसके अतिरिक्त बाहर के क्षेत्रों से जो शिष्य आते थे वो भी वहीं रहकर गुरु शिष्य परंपरा में ही तालीम ग्रहण करते थे। यहाँ पर चाहे पुत्र हो चाहे कोई संबंधी हो या हम कहें शिष्य हो, सबका एक ही स्थान था और ये संबंध सभी के साथ गुरु और शिष्य का ही था, चाहे वो संबंध पिता और पुत्र का भी हो, उसको भी घरानेदार शिक्षण पद्धति में गुरु और शिष्य का ही स्थान प्राप्त था। घरानेदार शिक्षण पद्धति से अनेकों स्टाइल्स जो हैं हम कहें कि शैलियां जो एक विशिष्टता लिए हुए अपना एक विशेष शैली का जो निर्माण हुआ वो आगे बढ़ा। कुछ जगह पर हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर भी घराना बना, ये सम्मान के तौर पर जो उस स्टाइल का या उस शैली का प्रवर्तक था जिसने उसको बनाया तो उस व्यक्ति के नाम पर भी घराने बने, जिसमें कि हम कहते हैं अल्लादिया खां घराना, तो ये अल्लादिया खां साहब के नाम पर ये घराना बना। तो कहने का तात्पर्य है कि घरानेदार शिक्षण पद्धति ने भी संगीत को, संस्कृति को, जो है कला को संजो कर रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और जहाँ तक शिक्षण पद्धति की बात कहें तो शिक्षण पद्धति घरानेदार परंपरा में बहुत सुंदर रूप से पुष्पित और पल्लवित हुई। आगे बढ़ते हैं हम संस्थागत शिक्षण पद्धति की। संस्थागत शिक्षण पद्धति जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट की जहाँ तक बात आती है तो यहाँ पर हम कहें कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं आज के संदर्भ में, या जिसमें कि विश्वविद्यालय या कॉलेज जो शिक्षा है शिक्षण पद्धति वो सम्मिलित होती है, यहाँ पर भी ये एक अलग तरह की शिक्षण पद्धति जो है वो सामने आई है, जहाँ पर अलग अलग स्थानों पर विश्वविद्यालय या अलग अलग कॉलेजेस खोले गए, जहाँ पर कि संगीत के जो प्राध्यापक हैं उनको नियुक्त किया गया, जो कि शिक्षण पद्धति जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो वे देते आ रहे हैं। तो ये तीन मुख्य रूप से हम कहें कि भारतीय संगीत की शिक्षण पद्धति की के पार्ट्स रहे हैं। अब हम कहें कि शिक्षण पद्धति की विधियां क्या रही हैं, कौन सी क्या प्रोसेस रहा है, क्या तरीका था कि शिक्षा किस प्रकार से दी जाती, तो हम जहां तक शिक्षा की बात करते हैं वो पहले भी वही रही है और अब भी वो उसी प्रकार से चल रही है, बस थोड़ा बहुत उसमें चेंज है। पहला सबसे पहला है भाषण विधि। भाषण विधि यानी बोलकर बताया जाता है, समझाया जाता है शिष्य को या विद्यार्थी को कि ये परंपरा क्या है या जिस विषय पर बात हो रही है उसमें भाषण देकर जो है शिक्षा दी जाती है। तो इस समय जो मैं आपको दे रही हूँ वो भाषण विधि ही है, जहाँ पर कि विद्यार्थी को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ अपने भाषण के द्वारा किसी भी विषय के बारे में। आज हमने जैसे शिक्षण पद्धति ली उसके बारे में भाषण के द्वारा विद्यार्थी को बताया जाए। तो शिक्षा का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है जरिया है, जहाँ पर हम कहते हैं कि क्योंकि मौखिक विद्या है तो बिना भाषण के भी नहीं चलेगा, बोलकर विद्यार्थी को समझाना। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहती हूँ, मैं यदि सिंपली एक राग को गा रही हूँ और उसके बारे में यदि मैं जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट है उसको यदि मैं नहीं बताऊं अपने भाषण के द्वारा तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं होती। जैसे कि आपसे मैं कह रही हूँ कि ये राग भैरव है या राग भोपाली है, वो औड़व ठाट का है, उसका गाने का समय ये है और उसमें अमुक जो है स्वर लगते हैं, तो आप कई प्रश्न करेंगे, उसमें सबसे पहला प्रश्न आपका होगा कि ये औड़व जाति का क्यों है, तो मुझे आपको भाषण के ज़रिए ही आपको ये बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें 5 स्वर प्रयुक्त होते हैं इसीलिए भोपाली को औड़व जाति का राग कहा गया है। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं जो भाषण विधि से जो है जिनकी शिक्षा विद्यार्थी को दी जाती है और वो ज़रूरी भी है। किसी भी राग को करने के लिए
जो है उससे पहले उसका एक बेस या हम कहें भूमिका जो है वो विद्यार्थी को इस प्रकार से दी जाती है। अगला हम जो है शिक्षण विधि के अंतर्गत लेते हैं वो है प्रदर्शन और अनुकरण विधि। देखिए बहुत समय से जो हम यहाँ पर आपको बहुत से लेक्चर्स देते आए हैं, ख़ास तौर पर हमने जो रागों के बारे में आपको बताया है, बंदिशों के बारे में आपको बताया है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई, तो वो प्रैक्टिकली बताई यानी प्रदर्शन के तौर पर, सिर्फ भाषण विधि से नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये राग भोपाली है जिसमें कि षड्ज, ऋषभ, गांधार, पंचम, धैवत का प्रयोग होता है और इसमें 5 स्वर हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको भाषण ही भाषण दे रही हूँ और उसका प्रदर्शन नहीं करूँ तो उस बात का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल करके ही बताना पड़ता है। तो गुरु द्वारा या जो शिक्षक है उसके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, जो भी वो समझाना चाहता है उसको गाकर या उसको बजाकर या उसको नृत्य के द्वारा जो है उसका प्रदर्शन होता है और विद्यार्थी को उसका अनुकरण जो है वो विद्यार्थी करता है। अनुकरण मतलब उसको वैसे सुनकर या देखकर उसी प्रकार से उसको प्रस्तुत करना। तो हम ये कहें कि अनुकरण जो है वो एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया में। यहाँ पर संगीत में जैसे मैं उदाहरण देती हूँ कि हम विद्यार्थी से कह रहे हैं कि देखिए ये राग भैरव है और राग भैरव में ग म ध प ग म रे सा, ये एक ऐसा फ्रेज है जिसमें ऋषभ धैवत कोमल है और ये जो है राग भैरव का बिल्कुल इसकी आइडेंटिकल फ्रेज है, यानी इसको एक आइडेंटिफाई जिससे हम राग को कर सकते हैं, हम राग को पहचान सकते हैं। तो अक्सर शब्द आता है पकड़, पकड़ जो है राग की वो ये है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ उसको बोलकर बताया है, भाषण के द्वारा मैंने आपको उसको बताया है, मैंने उसका प्रदर्शन करना है। सा ग म द प ग म रे सा, मैंने उसका प्रदर्शन किया और जो विद्यार्थी सीखने वाला है वो उसको सुनकर उसको उसका अनुकरण करता है। तो हो सकता है विद्यार्थी शुरू में बिल्कुल हूबहू वैसा नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे अनुकरण करते हुए जो है वो उसको सीख लेता है। यहाँ पर बिल्कुल एक सरल उदाहरण दूंगी कि जब कोई एक छोटा बच्चा होता है उसको हम कहते हैं कि भाई तुम लिखना सीखो, तो हम उसको एकदम से कुछ निबंध तो नहीं दे देते लिखने के लिए, हम उसको कुछ खाली पेजेस देते हैं, उसमें हम उसको पेंसिल पकड़ाना सिखाते हैं, फिर उसको कहते हैं कुछ भी बनाओ, एक गोला बनाओ या एक एक लाइन बनाओ, एक टेढ़ी लाइन बनाओ, एक जिगजैग जो है इस प्रकार का एक कोई ड्राइंग बनाओ। तो वो उसका वो आप पहले बनाते हैं और उसको वो कॉपी करता है, यानी अनुकरण करता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अनुकरण में वो बिल्कुल हूबहू आपको जो आपने बनाया उसी को वो कॉपी करके दे दे, उसको एक समय लगता है जब उसमें उसकी एक परफेक्शन उसकी आती है। हमने कहा ये सूर्य ऐसा बनता है और सूर्य उसने पहले बनाया, ज़रूरी नहीं ये गोल बने, वो किसी प्रकार से जिस प्रकार से वो उसका हाथ उस समय काम करता है, उसका मस्तिष्क काम करता है, तो वो उस प्रकार से बनाता है, पर उसमें अभ्यस्तता आने में समय लगता है, उसको बिल्कुल हूबहू वैसे बनाने में उसको समय लगता है। तो संगीत तो अपने आप में एक ऐसी कला है जहाँ पर कि अनुकरण का बहुत बड़ा योगदान है। कई बार हम सिखाते हुए कहते हैं कि विशेष तौर पे मैं तो बहुत इस बात को कहती हूँ कि आप इसको सोचिए मत कि इसमें स्वर क्या है, आप इसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि ब्लाइंडली फॉलो करने की बात क्यों कही जाती है, कि यदि वो पहले ग्रामर सीख ले या पहले ग्रामर पर उसका ध्यान चला जाए तो शायद वो उतने अच्छे से उस सुर को नहीं लगा पाएगा। जिस प्रकार से छोटे बच्चे को हम भाषा जब वो बोलना सीखता है तो हम उसको कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं निकालते, चाहे वो किसी भी शब्द के लिए किसी भी चीज़ के लिए कोई ऐसा शब्द बोलता है जो शायद वो उसके लिए कभी भी प्रयोग नहीं होता, तो वहाँ पर हम उसको कभी टोकते नहीं हैं, हम उसको ये नहीं बताते कि ये शब्द गलत है या इस शब्द का अलग अलग अर्थ है या इस शब्द को इस प्रकार से नहीं बोला जाता, ये अक्षर बिल्कुल अलग है।
तो चाहे उस अक्षर के साथ वो कोई भी मात्रा लगा रहा हो, हम उसको कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक उसकी नहीं निकालते, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमको सुनते सुनते हमारा अनुकरण करे, हमें कॉपी करे, और वो धीरे 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 स्वतः कब उस भाषा को सीख लेता है ये पता भी नहीं चलता। यही विधि जो है वो कला के जो है क्षेत्र में भी अपनाई जाती है, चाहे वो नृत्य कला हो, गायन हो या वादन हो। इसी अनुकरण को जो है जो शिक्षा देने वाला है, जो गुरु है या जो जो टीचर जिसे हम कहें, टीचर हो या कोई भी जो सिखा रहा हो, वो उसको उसके अनुकरण करने की जो क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए उसको आगे सुधार कराता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो आज की शिक्षण पद्धति में जो विधियां हैं उनमें आजकल प्रयोग होता है, और ये पुराने समय से चला आ रहा है। इसीलिए एक शब्द है सीना बसीना तालीम। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, सीना बसीना तालीम यानी आमने सामने बैठकर जो है शिक्षा ली जाए। तो पहले से पुराने समय से यही विधि चली आ रही है, और आज के समय में भी जब तक हम आमने सामने बैठ के शिक्षा नहीं लेंगे वो बात नहीं आएगी। बहुत सी चीज़ें आजकल आ गई हैं, स्काइप पे भी आजकल लोग क्लास लेते हैं, या हम कहें कि मोबाइल का ज़माना है तो आजकल व्हाट्सएप पे या किसी अन्य रिकॉर्डिंग, उससे विद्यार्थी कोशिश करता है कि वो बहुत सी चीज़ें वो सीख सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बहुत ही सहायक होते हैं, लेकिन इसमें वो बात नहीं होती जो कि सामने बैठकर शिक्षा लेने में होती है, चाहे उसे हम क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत लें, चाहे उसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत लें, चाहे हम उसे घरानेदार परंपरा के अंतर्गत लें, या हम उसको जो है गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत लें, सभी में प्रदर्शन और अनुकरण विधि का प्रयोग बखूबी होता है। इसके बाद आती है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि जो है, इसका ये एक शब्द है, ह्यूरिस्को शब्द है जो कि अंग्रेजी का शब्द है। इस शब्द का यदि हम बिल्कुल परिभाषा ली जाए तो उसका अर्थ है मैं खोजता हूँ, यानी खोजना, एक रिसर्च का। तो यहाँ पर इस विधि में जो है विद्यार्थी को बताया कम जाता है, लेकिन उसको स्वयं चीज़ें खोजने की ज़्यादा उसको उसकी तरफ प्रेरित किया जाता है। रही बात हिंदुस्तानी संगीत की, तो वहाँ पर ये विधि शुरू में इतना काम नहीं करती, क्योंकि शुरू में तो आपको सुनना होता है, समझना होता है और अनुकरण करना होता है विद्यार्थी को। प्रदर्शन और अनुकरण विधि के बाद जब वो एक ऐसी स्टेज पर आ जाता है जहाँ पर कि वो किसी राग के बारे में जो है पूरी तरह से जानकारी ले लेता है, रियाज या अभ्यास के द्वारा उस में प्रवीण होता है, उसके साथ साथ वो अपना चिंतन पक्ष जो है उसको भी सामने अपने रखता है, और उसके अभ्यास के साथ साथ ही जो है वो इस विधि यानी ह्यूरिस्टिक विधि जो है उसमें अपना कदम बढ़ाता है। तो इस ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत जो है जब चिंतन बढ़ जाता है, जब राग के बारे में सोचते हैं या किसी नृत्य कला की किसी विशिष्ट शैली के बारे में सोचते हैं, तो उसकी क्रिएटिविटी जो है वो सामने आती है। तो वो क्रिएटिविटी तो शुरू से ही आरंभ होती, लेकिन बाद में चलकर जिस परंपरा से उसको सिखाया गया उसके साथ साथ विद्यार्थी का अपना भी एक सोच होता है जो इसमें ऐड होता है। अब हम ये कहें एक उदाहरण के तौर पे राग एमन की बात करें। राग एमन ऐसा राग है जो एक बेसिक राग है, और इस राग को गाते या बजाते हुए जो है विद्यार्थी जब उसको सुनता है या उसको बजाता है सीखकर, तो बीच बीच में कुछ अपनी नई चीज़ें जो है वो क्रिएट करता है जो कि ऑन द स्पॉट होती है। हम विद्यार्थी की बात करें, बड़े बड़े कलाकार कोई भी यदि मंच पर इसका प्रदर्शन कर रहा है, आप देखिए एक कलाकार और दूसरे कलाकार, चाहे वो सेम गुरु के ही शिष्य क्यों ना हो, लेकिन दोनों के प्रदर्शन में बहुत फर्क होता है। क्यों बहुत फर्क होता है? क्योंकि वहाँ पर अपनी जो एक इंडिविजुअल जो अपनी एक सोच है वो बहुत बड़ा कार्य करती है कि हमने देखा, लेकिन हमने उसको किस प्रकार से उसमें अपनी भी कुछ क्रिएटिविटी उसमें डाली जो कि राग की सीमाओं के भीतर हो, उस सीमा से बाहर नहीं हो। उसको हम कहेंगे कि वो उसकी मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए वो अपना
चिंतन जो उसकी शक्ति है उसका प्रयोग करता है। तो यो ये जो है ये सारा ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत आता है। आगे हम चलते हैं वर्तमान शिक्षण पद्धति का स्वरूप, यदि आज के संदर्भ में जो शिक्षण पद्धति है उसका क्या स्वरूप है, किस प्रकार की शिक्षण पद्धति है। आज के समय में हम देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि पुरानी जो परंपरा थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, अभी भी वो परंपरा चल रही है, यानी गुरु शिष्य परंपरा आज भी चल रही है और ये मुझे नहीं लगता ये परंपरा कभी समाप्त होगी, क्योंकि हमारा ये विषय या हमारा ये जो हम कहें कि संगीत की बात करते हैं, ये एक ऐसी परंपरा है जो कि किसी गुरु द्वारा यदि शिक्षा न ली जाए तो वो ठीक से हमें नहीं आ सकती। चाहे हम कितनी भी रिकॉर्डिंग्स को सुन लें, कितने भी हम जो आपके कहें कि डॉक्यूमेंट्रीज को देख लें या यूट्यूब को देख लें, आजकल यूट्यूब भरा हुआ है, कितना भी हम देख लें, लेकिन जब तक उसकी शिक्षा सही तरीके से कुछ समय तक न ली जाए तो वो ठीक से नहीं आती। तो ये गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आज किसी भी तरीके से, चाहे हम उसको कहें कि विद्यालयी शिक्षा हो, विश्वविद्यालयी शिक्षा हो या संस्थानों की शिक्षा हो, सब जगह, या निजी शिक्षा कोई दे रहा हो, सभी जगह इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। और विद्यालयी शिक्षा की अब हम बात करते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा की, तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसमें विद्यार्थी, संगीत की शिक्षा की बात करूं तो विद्यार्थी को जो गुरु है या जो प्राध्यापक है जो शिक्षा दे रहा है उसको सुनकर, मौखिक जो ये परंपरा है उसको सुनकर जो है ये शिक्षा ली जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही सहयोग करती हैं, जैसे कि आपकी है लाइब्रेरीज़ बहुत आपको सहयोग करती हैं, किताबें बहुत सहयोग करती हैं। हमने हर चीज़ के उदाहरण के तौर पर यहाँ पर भी एक उदाहरण के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया, हम यदि कहते हैं कि पंडित शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर नाम का ग्रंथ लिखा, इस ग्रंथ में उन्होंने संगीत के बारे में ये कहा, या उन्होंने उस समय जो स्वरों का जो राग जो प्रचलित थे उनका किस प्रकार का स्वरूप था, किस कौन सा स्केल था, किस प्रकार से संगीत उस समय पॉपुलर था, ये सब चीज़ें हमें, हम गुरुमुख से सुन तो रहे हैं, अपने प्राध्यापक से हम सुन रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं, हमें समझ में भी आ रहा है, लेकिन इस ज्ञान को अर्जित करने के साथ साथ यदि हम पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उनका यदि हम प्रयोग करें तो हमको वो चीज़ ज़्यादा आसानी से समझ आ सकती है। हमने ये कहा कि यदि उस समय कौन सा पंडित शांगदेव के समय जो संगीत रत्नाकर उन्होंने लिखा, उस समय किस पर कौन सा जो थाट था, जो स्केल था वो पॉपुलर था, क्या वो आज के स्केल से बिल्कुल सेम था, क्या उस समय के राग जो थे वो आज के रागों की ही तरह उनका जो जो उनकी बनावट थी वो वैसे ही थी, उस समय जो थे गायन परंपरा में कौन सा, क्या षड्ज पंचम भाव या षड्ज मध्यम भाव जो है वो प्रबल था, किस प्रकार का गायन था। तो ये जो है इसकी शिक्षा जो है हमें अपने प्राध्यापक या अपने गुरु से लेने के साथ साथ हम पुस्तकों द्वारा जो जो पुराने लोगों ने जो ज्ञान जो है उसमें एक तरह से निचोड़ प्रस्तुत किया उसकी सहायता से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि विश्वविद्यालयी शिक्षा जो है वो जैसे हम कहें कि क्लासरूम टीचिंग जो है वहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दोनों की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा संगीत शिक्षण की निजी शिक्षा ये भी परंपरा आज के समय में मौजूद है, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं कहीं पर कार्यरत हैं, जैसे कि ना वो किसी विश्वविद्यालय कॉलेज में हैं लेकिन बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छी शिक्षा उनके पास है, उनके पास ख़जाना है कला का, तो वे निजी रूप से जो है वे शिक्षा देते हैं। यहाँ मैं पुनः कहूँगी यहाँ पर भी गुरु और शिष्य परंपरा जो है वो
चल रही है। अब आती है बात संचार माध्यमों से शिक्षा। आज का ऐसा समय है जब टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस हो चुकी है और संचार माध्यमों में से भी जो है शिक्षा ग्रहण की जा रही है, जैसे कि आपके यूट्यूब में बहुत से लेसन्स लेक्चर्स जो हम सीसी भी में से एक है, जो कि बहुत संचार माध्यमों से जो है दूर दूर तक बैठे हुए ऐसे विद्यार्थी जिनको कि मौका नहीं मिल पाता कि वे संगीत की शिक्षा कहीं जा कर लें, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, तो इन संचार माध्यमों से वे शिक्षा ले सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन जो है आज के संदर्भ में बहुत बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम स्काइप की भी बात करते हैं। स्काइप से भी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी जो है वो भारतीय संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जो हम कहें पुरानी रिकॉर्डिंग्स के, पुरानी जो डॉक्यूमेंटेशन जहाँ कहीं भी है, उनमें हम कहें बहुत से संगीत नाटक अकादमी है या IGNC इंदिरा कला संगीत संस्थान जो है, वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें संरक्षित करके रखी गई हैं, या आकाशवाणी की आर्काइव्स आप जाइए वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें संग्रह में रखा गया है। तो इन सब माध्यमों से जो बार बार समय समय पे आकाशवाणी या दूरदर्शन जो है इस प्रकार की जो ज्ञान की चीज़ें हैं, संगीत से संबंधित चीज़ों को प्रस्तुत करता है, वो भी एक माध्यम है जो कि संचार माध्यमों का के अंतर्गत आता है, जिससे कि शिक्षा विद्यार्थी ले रहे हैं। इसके बाद है मिश्रित घरानों या परंपराओं की शिक्षा। अभी मैंने आपको इस विषय से पहले घरानों के बारे में बताया। आज के समय में मिश्रित घरानों या परंपराओं की शिक्षा भी प्रचलित हो गई है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देती हूँ विश्वविद्यालयी शिक्षा की। विश्वविद्यालयों में जो संगीत संकाय हैं उनमें जो प्राध्यापक जो नियुक्त हैं वे अलग अलग परंपराओं के, अलग अलग गुरुओं के शिष्य हैं, तो वो अपने साथ उस घराने की या उस परंपरा की या उन गुरुओं की जो शिक्षा है वो अपने साथ संजो कर रखे हैं और वो ही शिक्षा उस प्रकार की स्टाइल में वे विद्यार्थियों को देते हैं। तो एक विद्यार्थी यदि किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी विश्वविद्यालय में या किसी कॉलेज में पढ़ रहा है तो एक प्राध्यापक से उसने एक राग सीखा या कोई किसी विषय पर जो थ्योरेटिकल उसने नॉलेज प्राप्त की और उस दूसरी बार दूसरे क्लास में या दूसरे पीरियड में वो दूसरी क्लास में जाता है, वहाँ पर दूसरा राग और दूसरा गुरु और दूसरी परंपरा, तो वो पूरा चेंज हो जाता है। तो जब एक दिन में 3 या 4 क्लासेस लग रही हैं उसके बाद एंड ऑफ द डे वो देखता है कि उसके पास जो चीज़ एक आती है उसके ज्ञान में कहीं ना कहीं वो मिश्रित होती है। तो यहाँ पर मिश्रित घरानों की या मिश्रित परंपराओं की भी एक तरह से शिक्षा हो रही है। हम कहते हैं राग मालकोस, लेकिन राग मालकोस को अलग अलग परंपराओं के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से गाते हैं। तो ये विद्यार्थी जब एक राग को एक से सुनता है तो वो एक अलग शैली है, दूसरा अलग शैली, चाहे उसके राग वही है, स्वर वही है, नियम भी वही है, लेकिन उसकी प्रस्तुति जो है वो हर कलाकार अपने तरीके से करता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी भी काम करती है, उसकी परंपरा भी काम करती है। तो यहाँ पर एक मिश्र मामला जो है वो सामने आता है, मिक्सचर हो जाता है। और हम दूर कहाँ लें, हम यदि कहें कि यूट्यूब में बच्चे आज के ज़माने में बहुत सुनते हैं, बहुत एक के बाद एक वीडियोज़ जो है, यदि आप टाइप करें राग मालकोस तो कम से कम 50-60 वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। आप बहुत से कलाकारों को सुनोगे, आप बहुत जगह इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जहाँ पर कि राग माल को सिखाया जा रहा है। हर बार आप जो सुन रहे हैं, हर बार आप जो देख रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ आप आपके मस्तिष्क में भीतर जा रहा है। और जब इतने लोगों को सुनने के बाद आप जब गाते हैं, ये निस्संदेह कि आप राग के नियमों में चल रहे हैं, रागों को जिस प्रकार से राग की मर्यादा है उसका पालन आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं एक मिश्र मामला जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस प्रकार की भी शिक्षा जो है आजकल प्रचलित हो रही है। आगे बात करते हैं कि संगीत शिक्षण प्रणाली में शिक्षण युक्तियाँ। संगीत शिक्षण प्रणाली में जो जिस प्रकार का एक टीचिंग मेथोडोलॉजी आज के ज़माने में चल रही है या पहले से चली आई, उसमें किस प्रकार से कौन कौन सी ऐसी युक्तियां हैं जिससे कि उसमें सुधार
किया जा सकता है जिससे कि विद्यार्थी को लाभ हो या आगे सीखने वाले जो हैं वो प्रेरित हों। तो सबसे पहले जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग है, वो है पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी सिलेबस जो है उसको बनाना। सिलेबस किस प्रकार का, यदि वो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर का है तो उसको उसके लेवल को देखते हुए उसका पाठ्यक्रम जो है उसका निर्धारित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से यदि वो मास्टर्स कर रहा है तो उसका लेवल अलग होता है, हर स्तर का जो है पाठ्यक्रम वो अलग निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ जो प्रथम वर्ष जो है स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में करना पड़ता है, वही चीज़ वो जो है फाइनल ईयर में कर रहा है। हर वर्ष, हर सेमेस्टर की हम बात कहें तो उसके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता रहा है या जाता है उसको बहुत तरीके से बिल्कुल निरीक्षण परीक्षण के बाद जो है उसको फिक्स जो है उसको किया जाना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि ये पाठ्यक्रम है, इसको विद्यार्थी को फॉलो करना चाहिए, और उसका निर्धारण जो टीचर्स हैं या प्राध्यापक हैं उनके द्वारा जो है वो ज़रूरी है, उसको निर्धारित किया जाना चाहिए। क्योंकि एक पाठ्यक्रम है तो वो कुछ सीख पाता है विद्यार्थी, यदि पाठ्यक्रम नहीं है तो शायद एक ही विषय जाने कितना लंबा समय ले ले, तो यहाँ पर निर्धारण बहुत ज़रूरी है। अगला आता है विद्यार्थियों की संख्या का निर्धारित होना। देखिए, संगीत कला एक ऐसा विषय है जिसमें कि कभी भीड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक कक्षा में जिस प्रकार से हम अन्य विषयों को देखते हैं उसमें एक कक्षा में 60 विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी या 120 विद्यार्थी जो है वो लेक्चर सुन रहा होता है अपने प्राध्यापक का, या भाषण सुन रहा होता है, वो जो भी पढ़ाना चाह रहा है उसको सुनता है। ये सुनना और संगीत का बहुत फर्क है, क्योंकि संगीत में वहाँ प्राध्यापक ने एक लेक्चर दिया, एक विषय पर बोला, जो कुछ विद्यार्थी तब वो पहुँचाना चाहते थे उन्होंने पहुँचाया, विद्यार्थी ने जो सुना उसके पॉइंट्स नोट किए, समझा, और इसके बाद क्लास ख़त्म। लेकिन संगीत में ऐसा नहीं है, प्रत्येक विद्यार्थी को इंडिविजुअल अटेंशन देना बहुत महत्वपूर्ण है। हर विद्यार्थी को जो बात है वो समझाई जानी है, वो वाकई उसको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बहुत अधिक संख्या में जो है विद्यार्थियों का यदि रहते हैं तो वहाँ सही तरीके से शिक्षण नहीं किया जा सकता। तो जो है विद्यार्थियों की संख्या जो है वो निर्धारित होनी चाहिए, जैसे एक प्राध्यापक के अंतर्गत अधिक से अधिक 10 विद्यार्थी होने चाहिए जिनको कि वो सही तरीके से पढ़ा सके, सही तरीके से वो प्रैक्टिकल जो है संगीत वो समझा सके। जहाँ तक की बात थ्योरी की है, वहाँ पर हम संख्या भले ही ज़्यादा ले लें लेकिन थ्योरी भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पर ही बेस्ड है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है उद्देश्य का निर्धारण होना। क्या उद्देश्य है, यदि हम विद्यार्थी को बता रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य टारगेट जो हम लें कि भाई हमने यदि फर्स्ट सेमेस्टर या प्रथम वर्ष में हमने सीखना तो ये टारगेट होना चाहिए कि उसको अमुक विद्यार्थी को 3 या 6 या 2 इतने राग और ये विषय जो हम कहें कि थ्योरी के जो विषय हैं वो उनको आने चाहिए, और उसको करने के बाद विद्यार्थी क्या करेगा, उसका उद्देश्य क्या है, क्या उसका उद्देश्य एक शिक्षक बनने का है, या उसका उद्देश्य एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनने का है, या उसका उद्देश्य महज एक नौकरी पाना है, या उसका उद्देश्य कहीं किसी कलात्मक किसी संस्था में जो है एक क्रिएटिव आर्टिस्ट की तरह नियुक्त होने का है, या उसका उद्देश्य जो है वो आगे गुरु शिष्य परंपरा में आगे विद्यार्थियों को सिखाने का है, क्या उसका उद्देश्य है, इसका निर्धारण होना चाहिए। अगला आता है विद्यार्थियों के चयन पर ध्यान, कि जब विद्यार्थियों का चयन हो रहा होता है उस पर बहुत ध्यान देने की बात है कि विद्यार्थी ऐसा नहीं कि उसका वाकई में यदि वो कंठ संगीत सीखना चाहता है तो उसके कंठ पर वो बात है कि नहीं, जिसको हम कहते हैं विद्यालयों में कि भाई हम ट्रायल ले रहे हैं, म्यूज़िक का ट्रायल होगा, यानी उसको सुना जाएगा कि क्या हम इसको यदि संगीत ये विषय ले रहा है तो ये वाकई वो कर सकता है कि नहीं, वो गा सकता है कि नहीं, या वो बजा सकता है इंस्ट्रूमेंट कि नहीं, तो
सिखाना एक अलग चीज है, लेकिन उसके लायक उसके कंठ में वो मधुर स्वर है कि नहीं, चाहे उसे राग का ज्ञान ना हो, वो बताना शिक्षक का काम है, लेकिन उसका चयन जो है इन बातों पर बहुत निर्भर करता है। फिर इसके बाद आता है विभिन्न स्तर पर विषय वस्तु पर चयन, यानी कि एक तरह से अलग अलग जो विषय अलग अलग जो स्तर, जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड, इसमें विषय वस्तु क्या होनी है कि भाई उसको ये राग सीखने हैं तो उसके उसके पहले से निर्धारित होना चाहिए इस राग में वो क्या क्या सीखेंगे, या वो यदि ध्रुपद की बात करते हैं, ध्रुपद जो है उसका पूरा क्लियर होना चाहिए कि उस ध्रुपद के अंतर्गत उसको नोम तोम का लाभ सीखना है, उसको बंदिश को ध्यान रखना है, उसको उसके रस का ध्यान रखना है, उसको ताल का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो विभिन्न स्तर पर अलग होंगी और इसका चयन करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आता है शिक्षण सिद्धांतों का पर प्रतिपादन, यानी शिक्षण सिद्धांत क्या है, किस प्रकार के क्रियात्मक सिद्धांत हैं या शास्त्रीय संबंधी या शास्त्र संबंधित जो है सिद्धांत है उसका प्रतिपादन होना बहुत ज़रूरी है, और ये शुरू में ही हो जाए तो विद्यार्थी के लिए और जो शिक्षक जो बता रहा है, शिक्षा दे रहा, दोनों के लिए बहुत ही सहज और सुगम होगा। अब हम आते हैं अगले उस पर जो है कि परीक्षाएं, यानी हम कल जैसे हमने आपको बताया कि दीक्षा शिक्षा परीक्षा, हमने दीक्षा ली, हमने सीखना शुरू किया, शिक्षा जब हम किसी गुरु के पास गए तो हमने सीखा, फिर उसके बाद उसकी परीक्षाएं यानी उसकी उसका उसको इवैल्यूएशन करना कि वाकई हमें आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर शिक्षण जो परंपरा है उसमें तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। पहला है मौखिक परीक्षाएं, यानी जो सिखाया गया है उसका ओरली उसको उसको जांचा जाए, उसकी परीक्षा ली जाए कि हमने राग दो राग सिखाए हैं इस सेमेस्टर में या इस वर्ष में हमने इसको तीन राग सिखाए हैं तो वो क्या उसको वो प्रैक्टिकली वो राग आता है कि नहीं, या उसको बजा सकता है कि नहीं, या गा सकता है कि नहीं, या नृत्य का कोई विशेष जो है वो उसको भाव आता है कि नहीं। तो ये यहाँ पर मौखिक परीक्षाएं होना बहुत ज़रूरी है, उससे संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है क्रियात्मक परीक्षा, क्रियात्मक परीक्षा ने उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, सिर्फ बातें नहीं करना कि हमने उससे पूछ लिया, प्रश्न कर लिया कि भी राग भोपाली में क्या वादी है, क्या संवादी है, राग भोपाली कब गाया जाता है, राग भोपाली में कौन से स्वर है, राग भोपाली में किस प्रकार की बंदिशें गाई जाती हैं, ये राग भोपाली किस अन्य राग से मिलता है, ये कुछ चीज़ें जो हैं जो मौखिक परीक्षाओं के अंतर्गत आती हैं। लेकिन उसका क्रियात्मक परीक्षा यदि हमने कहा कि इस राग में ये औड़व जाति का राग है, इस राग में अमुक स्वर समुदाय बहुत प्रबल है, मौखिक परीक्षाओं में हमने बता दिया, लेकिन क्रियात्मक रूप से उसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्रियात्मक परीक्षाएँ भी समय समय पर होनी चाहिए। फिर बात आती है लिखित परीक्षा की, संगीत की परीक्षाएं जो है वो लिखित होनी बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ पर हम जैसे कहें कि राग की स्वरलिपि आप जो है उसके बारे में बताइए, तो स्वरलिपि को लिख के बताना बहुत ज़रूरी है, ताल को भी लिख कर जानना बहुत ज़रूरी है, रागों की बंदिशों को लिख कर जानना बहुत ज़रूरी है, संगीत के परिभाषाएँ जो है उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो लिखित परीक्षाएँ जो हैं ये समय समय पर होती रहनी चाहिए ताकि विद्यार्थी उसका अभ्यस्त भी रहे और उसको समझकर लिखित परीक्षा उसको वो क्या फील करता है, उसको क्या ठीक लगता है, उसके हिसाब से वो परीक्षाएं उसकी जो है वो जो लिखता है उसका भी उसकी भी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम आगे बताएं कि इस प्रकार से विद्यार्थी के इस शिक्षण का जो समय होता है इसमें सहायक सामग्री का उपलब्ध कराना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से उसकी जो है उसको उसकी जो 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 उसका अभ्यास चल रहा है उसमें उसकी सहायक सामग्री उसमें क्या उसको सहायता कर सकता है, जैसे कि गायक है तो उसको इंस्ट्रूमेंट्स सहायता कर सकते हैं, उसको तबले पर कोई उसको एकम्पनी करे, उसको ताल के बारे में उसने पढ़ा है, गुरुमुख से सुना भी है, कोशिश की है, लेकिन जब तक कि वो उसको किसी तबला वादक के साथ बैठ के उसका अभ्यास न करे तो उसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट जो है क्लियर नहीं होता, तो वो आस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। उसको किताबें उसको उपलब्ध कराना, लाइब्रेरी में जाके उसका शास्त्र पक्ष जो है किसी भी राग का कोई भी विषय ले उसको जानना बहुत ज़रूरी है।
इसके उपरांत आता है मंच उपलब्ध कराना, यानी सिर्फ विद्यार्थी सीखता जाए उसका पर्पस क्या है, मैंने जैसे पहले बोला कि उद्देश्य क्या है, क्या उसका उद्देश्य जो है वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने का है जो कि मंच प्रदर्शन कर सके, तो उसके लिए मंच उपलब्ध कराना भी ज़रूरी है ताकि उसको एक कॉन्फिडेंस आ सके कि मंच पर प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है, कैसे ऑडियंस को फेस किया जाता है। तो ये यदि हम क्रियात्मक पक्ष बोले तो वहाँ पर भी आता है, और यदि हम शास्त्र पक्ष बोले तो वहाँ पर भी आता है। तो इस प्रकार से मंच उपलब्ध कराने से विद्यार्थी जो है उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, उसकी जो गायन की, वादन की, नृत्य की जो शैली है उसमें भी निखार आता है, और वो उसको उसको ये शिक्षा मिल जाती है कि कैसे मैंने मंच पर जाकर अपनी ऑडियंस को या श्रोताओं को जो है मैंने कैसे फेस करना है और किस प्रकार से अपनी चीज़ को प्रस्तुत करना है ताकि वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो ये सब मंच उपलब्ध जो कराना है इसके अंतर्गत आता है। फिर है संगीत सम्मेलन में भागीता, यानी संगीत सम्मेलन बहुत से ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें विद्यार्थी की भागीता होना भी ज़रूरी है। भागीता का अर्थ सिंपल ये नहीं है कि उसको उसमें पार्टिसिपेट करना है या परफॉर्म करना है, भागीता इस तरीके से भी हो सकती है कि पहले वो इन संगीत सम्मेलनों में अलग अलग कलाकारों को सुने और उनके उनके जो उनका जो प्रतिभा है उसका प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको देखे, या उसके गुरु ने यदि कोई बताया है, उसके शिक्षक ने कोई बताया है कि इस ताल में 14 मात्रा है, इसको जो है विलंबित ख्याल में इसको झूमरा नाम के ताल है इसको इसमें बजाया जाता है, या झूमरा 56 मात्रा की झूमरा है उसमें वो इतना विलंबित होता है, कि जब तक वो इन संगीत सभाओं में या संगीत किसी कलाकार को सुनकर इस प्रकार की सम्मेलनों में जो है वो भाग नहीं लेता, उसका उसको ये क्लियर नहीं होता। क्योंकि अपना गाना या अपना बजाना तो है, लेकिन उसके अलावा जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को सुनते हैं या देखते हैं जिसने उसमें प्रवीणता हासिल की हो, तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है जो विद्यार्थियों के लिए बेहद बेहद आवश्यक है। फिर बात आती है आर्थिक दृष्टि का भी ध्यान रखना। शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि का भी बहुत बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। विद्यार्थी जो है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, विद्यार्थी जो है उसको संगीत सीखने का शौक है, लेकिन आर्थिक रूप से वो इतना सबल नहीं है। तो क्या ये प्रश्न उठता है कि जो आर्थिक रूप से सबल नहीं है तो वो क्या संगीत की शिक्षा लेने के काबिल नहीं या उसको नहीं मिलनी चाहिए? जी नहीं, ये सर्वथा गलत है। आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयी संगीत जो शिक्षण परंपरा है वहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, जहाँ पर कि फीस जो है वो बहुत ही नॉमिनल रखी जाती है ताकि हर विद्यार्थी उसको जो है वो अफोर्ड कर सके और सबके साथ बैठ के उसको एक बहुत उच्च कोटि की तालीम उसको प्राप्त हो रही, जो पुराने समय में बहुत से गुरुओं के पास दौड़ कर उनके पास रह कर उनकी सेवा करके जो है सीखा जाता है। आज के विद्यार्थी को ये बहुत बड़ा संबल है कि वो अपने अपनी जानकारी को बढ़ा सके, अपने ज्ञान को और बढ़ा सके, तो उसके लिए वो इन इंस्टीट्यूशंस को जो है वो ज्वाइन कर सकता है जहाँ पर उसको बहुत कम जो है धन को देकर बहुत कम खर्च पर जो है वो शिक्षा ले सकता है। आर्थिक दृष्टि की जहाँ तक बात करें तो निजी जो संस्थाएं हैं जहाँ पर कि कोई निजी रूप से सिखा रहा है तो वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं विद्यार्थी को वो महंगा पड़ता है। तो विश्वविद्यालय स्तर पर जब हम संगीत को लेकर आते हैं, क्योंकि वो एक निर्धारित किया जाता है उसका फीस स्ट्रक्चर, जो कि एक उस स्थान की एक जूरी या हम कहें कि यूनिवर्सिटी द्वारा जो है वो निश्चित किया जाता है, उसके न उससे कम न उससे ज़्यादा किसी भी विद्यार्थी से लिया जाता है। तो ये एक बहुत एक महत्वपूर्ण जो है फेज़ है, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि दूर दूर के विद्यार्थी जो हैं वो आर्थिक रूप से इतने सबल नहीं होते कि वो किसी गुरु के पास जाके जो है वो शिक्षा ग्रहण करे या वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले। तो यहाँ पर हम कहें कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है उसमें यदि 5 विद्यार्थियों को या 6 या 10 विद्यार्थियों को एक साथ बिठा कर यदि शिक्षा दी जाए तो वहाँ पर जो उस पर खर्च आता है वो भी
कम हो जाता है। तो आर्थिक दृष्टि का भी बहुत बहुत ध्यान जो है वो रखा जाना चाहिए। हम जब इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर देखिए दोनों में अंतर क्या है। इंस्टीट्यूशंस में जो विश्वविद्यालय स्तर पर या जो अलग अलग संस्थाओं में संगीत सिखाया जाता है उसमें, और जो घरानेदार पद्धति है या गुरु शिष्य परंपरा में, उसमें क्या अंतर है, क्या समानता है। समानताएँ तो ये है कि भाई आपको संगीत की शिक्षा मिल रही है और आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही, आप अपना वहाँ पे अपने योगदान दे सकते हैं, रियाज कर सकते हैं और बहुत सुंदर जो भी आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं वो आप यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क भी है। फ़र्क सबसे पहले हम कहें, चलिए हम अपना आखिरी पॉइंट लेते हैं कि आर्थिक दृष्टि से बहुत फ़र्क है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए विश्वविद्यालय की फ़ीस बहुत कम है, जबकि निजी रूप से यदि गुरु शिष्य परंपरा में भी आप सीख रहे हैं या कोई निजी संस्थान में भी सीख रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा जो है खर्च करना पड़ता है। ये दोनों में फ़र्क है। और ये फ़र्क है कि क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एडमिटेड हैं उनके आधार पर ही जो हमको या जो शिक्षा देने वाले उनको शिक्षा देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ दूसरी ओर गुरु शिष्य परंपरा में या घरानेदार परंपरा में विद्यार्थियों की संख्या का निर्धारण केवल गुरु ही कर सकता है और उसको वो ये देखकर कि कौन से वॉइस क्वालिटी है, जैसे गायन की बात करें तो वो सेम वॉइस क्वालिटी को एक साथ रखता है और फिर अलग अलग बैचेस में इस प्रकार से जो है वो शिक्षा दे सकता है। वॉइस की क्वालिटी को ध्यान में देखते हुए, समय को ध्यान में देखते हुए, अपनी उपलब्धता को ध्यान में देखते हुए वो इस प्रकार से जो है, और समझ, मानसिक स्तर भी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मानसिक स्तर की बात कहें कि विद्यार्थी सुन रहा है वो कितना उसको ग्रास्प कर पाता है, कितना सीख पाता है और उसकी रुचि कितनी है। यानी मानसिक रूप से यदि हम, एक होता है कि किसी को सुना या देखा और उसी भेड़ चाल में चल पड़े कि हमने सीखना ये है, हमने संगीत की हमें जानकारी होनी चाहिए, हमने सीखना है। लेकिन एक वो है जिसने वाकई उसको सही तरीके से समझ कर सीखना है, तो ये फ़र्क है। विद्यालय स्तर पर क्योंकि विद्यार्थियों का जो चयन है वो एक क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत कई चीज़ें हैं जो कि शायद शिक्षक को या प्राध्यापक को या गुरु को जो है शायद वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगे, उतना उसको कंफर्ट उसमें नहीं हो या वो उतना नहीं कर पाए, उसको रिजल्ट्स नहीं नज़र आते हैं, वो वहाँ पर बाध्य है, उसको जो नियम है विश्वविद्यालय स्तर के उसको पालन ही करना पड़ेगा। लेकिन जो घरानेदार परंपरा है या जो निजी रूप से जो गुरु शिष्य परंपरा चल रही है वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर क्योंकि गुरु शिष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गले यानी उसकी जो उसका कंठ है, उसकी जो आवाज़ है, उसको उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, उसकी उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए, उसकी उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उसकी ग्रैस्पिंग पावर को ध्यान में रखते हुए, कितना वो ले पाता है, समझ पाता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उसके टैलेंट को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए उसको शिक्षा देता है। इसका कोई समय निर्धारित नहीं हो सकता है, उसको वो 2 घंटे लगातार तालीम दे, हो सकता है वो उसको आधे घंटे शिक्षा दे, डिपेंड करता है कि वो उसने कितना उससे लिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है बात आती है जो कि संस्थागत परंपरा में या विश्वविद्यालय स्तर पर बिल्कुल अलग है और गुरु शिष्य परंपरा या घरानेदार या निजी परंपरा के अंतर्गत बिल्कुल अलग है। अब इसके बाद अगली बात आती है आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से जहाँ हम कहें कि गुरु शिष्य परंपरा की बात करें तो आप सुनते आए हैं कि पहले गुरु की सेवा करनी होती थी, गुरु के पास रहना था, अब वो ज़माने नहीं रहे, अब समय बिल्कुल बदल गया है। पहले विद्यार्थी एक तरफ ही एकाग्र होकर जो शिक्षा लेता था, लेकिन आज के विद्यार्थी को कंप्यूटर भी उतना ही आना चाहिए, आज के विद्यार्थी को एकेडमिक्स में भी उतना ही आगे होना चाहिए, आज के विद्यार्थी को समय के अनुसार चलना आना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ उसको अपना संगीत का अभ्यास भी जो है उसको कायम रखना है। तो ये बहुत मुश्किल कहीं पर हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे कर इस पर भी अभ्यस्तता हो जाती है। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की जहाँ तक बात करें, क्योंकि विद्यार्थियों का जो
जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो वहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में या घरानेदार परंपरा में गुरु के ऊपर है कि वो कितने विद्यार्थी एक साथ ले। वो एक भी ले सकते हैं, एक को भी सिखा सकते हैं, वो चार को भी सिखा सकते हैं, वो दस को भी सिखा सकते हैं। उनको आवाज़ की क्वालिटी देखकर या वादन की जो शैली है उसको सुनकर उस वो कहाँ पर फिट देखते हैं कि ये विद्यार्थी को किस तरह से शिक्षा दी जाए। हर एक विद्यार्थी का अपना गले का अलग धर्म है, या वादन करने की जो टेक्निक है वो हर एक की अलग है, चाहे वो उसकी ट्रेनिंग आगे ले, लेकिन फिर भी वो जो टेक्निक है उसको हर एक का अपना अलग टैलेंट है। इसको ध्यान में रखते हुए जो है सिखाने वाले को, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर पर हो या गुरु शिष्य परंपरा के स्तर पर हो, गुरु शिक्षा देता है। तो ये कुछ ऐसे जो असमानताएं हैं जो विश्वविद्यालय स्तर पर या इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग या क्लासरूम ट्रेनिंग और जो इंडिविजुअल जो ट्रेनिंग दी जाती है या घरानेदार या गुरु शिष्य परंपरा में निजी रूप से जो शिक्षा दी जाती है, ये मुख्य रूप से इसके अंतर हैं। और इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यदि विद्यार्थी को ट्रेनिंग दी जाए तो वो बहुत ही उन्नति उसकी आगे होगी। हाँ, एक बात अंत में कहूँगी कि उद्देश्य का निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो कलाकार बन रहा है या एक म्यूजिकोलॉजिस्ट बनना चाहता है, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।